بسم الله الرحمن الرحيم. अगर सूद की रकम है तो उसको किसी भी गरीब को बगैर नियत सवाब के दे दो, क्योंकि अगर तुम नहीं लोगे तो बैंक वाले तो बड़े मगरमच्छ हैं, वो तो और खा जाएंगे, उनसे तो ले लो ना कम से कम। उसके बाद ये है कि जैसे मस्जिदों के हमाम खराब हैं, लेटरिन खराब हैं, वो बनवा दो, या और कोई गरीब मुस्तहिक आदमी उनको दे दे, लेकिन सवाब की नियत रखो। सवाब हलाल पे होता है, हराम पे नहीं होता। निकाह से पहले दूल्हे या दुल्हन को मेहंदी लगाना, दुल्हन को तो लगा सकते हो, दूल्हे को लगाना जायज नहीं है। निकाह में शादी में ढोल के बगैर गाना वगैरह गा सकती है, नहीं गा सकती है। अगर कोई इस्लामी नात है तो वो पढ़ सकती है। अगर ढोल बजा, हाँ दफ बजाई जाए तो वो जायज है। नहीं, मुझे आज तक समझ नहीं आई मसला। मेरा भाई गुजारिश ये है कि ये ढोल या गाना बजाना, घोड़ा, मेहंदी, लूहे के बैद, गले में सुर्ख धागे, ये सुन्नत है या हिंदुओं की रस्में हैं? इसका तुम्हारी इस्लाम से क्या तल्लुक? अच्छा, अगर शादी उनकी हो रही है तो ढोल बजाने वाले को क्या खुशी है? अभी पैसे लेने के लिए ढोल बजा रहा है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भैंस की कुर्बानी हो सकती है, भैंस का दूध पी सकते हो, कुर्बानी क्यों नहीं हो सकती? नहीं, भैंस का दूध पीते हो, मक्खन खाते हो, घी खाते हो, भैंस क्यों आराम हो गई कि कुर्बानी नहीं हो सकती? भैंस गाय की तरह है।